नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में मरीज की जगह एम्बुलेंस से ढोई जा रही है शराब, तीन तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। नवगछिया के बिंद टोली बांध में कटा हुआ तेज, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तबादले का दौर शुरू, 105 पुलिसकर्मियों का हुआ स्थानांतरण। मुहर्रम को लेकर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की हुई बैठक, मजलिस एवं मातम पर रहेगा प्रतिबंध। और कहलगांव में धर्मशाला की जमीन पर भू माफियाओं ने किया कब्जा, डीएम के निर्देश पर अवैध निर्माण पर सीओ ने लगाई रोक। अब समाचार विस्तार से। बिहार में कानूनी तौर पर पूर्ण शराबबंदी है, इसके बावजूद शराब तस्करी पर लगाम नहीं लग पा रहा है। प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने एवं बिना रोक टोक के तस्करी करने के लिए तस्कर एम्बुलेंस का प्रयोग करने लगे हैं। कोरोना वायरस का दौर होने के कारण एम्बुलेंस को आने जाने में प्राथमिकता दी जाती है, पर जिस एम्बुलेंस में मरीजों को लाया ले जाया जाता है, तस्करों ने अपने फायदे के लिए उसे भी नहीं बख्शा। इस बार तस्कर द्वारा अपनाया जा रहा हथकंडा पुलिस को चकमा नहीं दे सका। बुधवार की सुबह बांका के बौंसी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस से 142 लीटर अंग्रेजी शराब और बियर जब्त किया है। मामले को लेकर बौंसी थाना अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने बताया कि झारखंड से शराब तस्करी कर बिहार लाए जाने की गुप्त सूचना मिलने के बाद श्याम बाजार पेट्रोल पंप के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान झारखंड की ओर से आ रही एम्बुलेंस की तलाशी लेने के क्रम में पेशेंट की सीट के नीचे छुपा कर रखे 142 लीटर अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की गई, जिसके बाद पुलिस ने एम्बुलेंस में बैठे चालक सहित तीनों तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि तस्करों द्वारा बांका की ओर से शराब ले जाने की योजना बनाई गई थी। ये तस्कर अपने अपने इलाके में बृहद पैमाने पर शराब की होम डिलीवरी करते हैं। बता दें कि पकड़े गए तस्करों की पहचान जगदीशपुर थाना अंतर्गत बैजानी गांव निवासी चितरंजन पांडे उर्फ डब्लू पांडे एवं इसके सहयोगी शाकचक निवासी गौतम कुमार एवं संदीप कुमार के रूप में हुई है। जब्त वाहन वाकई एम्बुलेंस है अथवा इसे एम्बुलेंस का स्वरूप दिया गया है, इस पर पुलिस अभी जांच कर रही है। नवगछिया इस्माइलपुर बिंदटोली बांध स्पर संख्या 9 के डाउन स्ट्रीम में सोमवार की देर रात से कटाव शुरू हो गया। लगभग 20 मीटर के दायरे में कटाव होने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया है। स्पर 9 के डाउन स्ट्रीम में कटाव होने की सूचना मिलते ही जल संसाधन विभाग के अभियंता कटाव स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद अभियंताओं की टीम के द्वारा NC हाथी पांव डालकर कटाव को रोकने का कार्य किया जा रहा है। फिलहाल कटाव स्थिर है। कटाव को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में किए गए कटाव रोधी कार्य में अनियमितता बरती गई थी। कटाव निरोधी कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण फिर से कटाव आरंभ हो गया है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही सांसद कार्यालय के सचिव ने तटबंध का निरीक्षण किया था, जिसमें एंटी रोजन कार्य में अनियमितता की बात कही गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व राज्य में पुलिस और प्रशासनिक महकमे में बड़े पैमाने पर तबादले का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार की रात गृह विभाग द्वारा बिहार राज्य पुलिस में विभिन्न जिलों और पुलिस मुख्यालय में DSP रैंक के 105 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया। वहीं जारी लिस्ट में भागलपुर पुलिस जिला के CT DSP राजवंश सिंह का भी स्थानांतरण हुआ है। DSP राजवंश सिंह को तबादले के बाद शेखपुरा में DSP मुख्यालय का पद दिया गया है, जबकि भागलपुर में 2018 बैच के IPS अधिकारी पूरन कुमार झा को CT DSP के पद पर नियुक्त किया गया है। हम आपको बता दें कि भागलपुर में 14 जून 2018 को CT DSP राजवंश सिंह ने प्रभार संभाला था, जिसके बाद उन्होंने विधि व्यवस्था बनाए रखने से लेकर सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में अहम योगदान दिया। मुहर्रम को लेकर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की तीसरी बैठक बुधवार को मुस्लिम स्कूल में हुई। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचते हुए एवं सरकारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए इस वर्ष मुहर्रम कैसे मनाया जाए, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी हॉल में आयोजित बैठक की अध्यक्षता भोला खान ने की। इस दौरान सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के सदस्यों ने कहा कि सदर SDO द्वारा जारी नोटिस के अनुसार केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने सभी तरह के सामूहिक आयोजन पर रोक लगा दी है, इसलिए इस वर्ष इमामबाड़ों पर सामूहिक रूप से किसी भी प्रकार के कार्यक्रम नहीं होंगे। वहीं सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के संयोजक डॉक्टर फारूक अली ने COVID-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बैकरों से इमामबाड़ों पर नहीं जाने की अपील की है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे भोला खान ने कहा कि मुहर्रम के अवसर पर जिले भर में कहीं भी मजलिस, मातम, अखाड़ा, तजिया एवं जुलूस का आयोजन नहीं किया जाएगा। साथ ही निर्णय लिया गया कि गुरुवार को सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य विभिन्न इमामबाड़ों पर मुस्तैद रहेंगे, ताकि सातवीं मुहर्रम पर लगने वाली भीड़ को रोका जा सके। वहीं मिंटू कलाकार ने बताया कि सेंट्रल मुहर्रम कमेटी सरकार एवं जिला प्रशासन के गाइडलाइंस का पालन करेगी। बैठक में मौलाना गुलाम सिमनानी,
डॉक्टर मजहर अख्तर शकील, मोहम्मद तकी अहमद, जावेद मंजूर आलम, जियाउल हक समेत कई लोग मौजूद थे। मुहर्रम कमेटी की आज तीसरी बैठक जनाब भोला खान साहब की अध्यक्षता में हो रही है और इस बैठक में पिछले तमाम बैठकों के निर्णय को लागू करने की समीक्षा की जा रही है। जिला प्रशासन ने भी अच्छा इंतजाम किया है। साजंगी का मेला मैदान वो बैरिकेडिंग किया जा चुका है। किला घाट भी मैदान आज हो जाएगा बैरिकेडिंग। कोतवाली चौक भी हो जाएगा। हमने सदर मंडल साहब से बात भी की है, साथ ही साथ मियां साहब का जो मैदान है वहाँ भी है। मुहर्रम का महीना सबसे बड़ी बात है, इसके लिए सबसे बड़ी बात आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये इस्लामिक नया साल है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमेशा शांति का पैगाम दिया है। ये शहादत का महीना है, इसमें किसी तरह का जुलूस नहीं निकालना है। नया अखाड़ा निकलेगा और सरकार के निर्देश के हिसाब से ये काम होगा। कहलगांव में धर्मशाला की जमीन पर भू माफियाओं द्वारा अवैध निर्माण करने से नाराज केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के राष्ट्राध्यक्ष विष्णु खेतान ने विरोध जताया है। खेतान परिवार के द्वारा पूर्व में ही घोषणा की गई थी कि कहलगांव स्थित पुरानी धर्मशाला में श्री बाबा बटेश्वरनाथ अतिथि भवन तथा नागा बाबा के नाम से धर्मशाला का निर्माण कराया जाएगा। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने इसकी घोषणा भी की थी। बता दें कि धर्मशाला विवाद कई वर्षों से चला आ रहा है और अभी तक मामला न्यायालय में लंबित है, लेकिन कहलगांव के भूमाफिया कृष्ण कुमार अपने सहयोगियों के साथ मिलकर धर्मशाला की जमीन पर अवैध निर्माण करा रहे हैं, जिसके बाद अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष ने मिलकर जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश दिया। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम लोग मिलकर जल्द ही भव्य धर्मशाला का निर्माण करेंगे। ये मामला ये है कि जहां पर हम लोग खड़े हैं, ये करीब 40 कट्ठा कितना का भूमि है, 30 कट्ठा का ये प्लॉट है और ये प्लॉट धर्मशाला के नाम पर है, खतियान में दर्ज, और इसके प्रबंधक के रूप में खेतान परिवार का नाम दर्ज है उसमें। और फिलहाल मामला जो है स्वतवार न्यायालय में चल रहा है, अभी उसका अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इस पर कुछ लोग बना रहे हैं संरचना का निर्माण कर रहे हैं, उस पर तत्काल रोक लगा दिया गया है। 144 तो लगाएंगे सर, लगाएंगे संरचना निर्माण पर रोक लगा दिया गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मतदाता की कोई भी बात 1950 1950, चाहे शिकायत या सुझाव 1950 1950, चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950। मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे, डॉक्टर शशिकर एमडी, रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच।
डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का ओपीजी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाथनगर प्रखंड के रत्तीपुर बैरिया पंचायत में बाढ़ के पानी ने गांववासियों को चारों ओर से घेर लिया है। वहां के किसानों ने अपना बाशा खाली कर दिया है और ऊंचाई पर ठिकाना बना कर रह रहे हैं। किसानों ने बताया कि जिस सब्जी के भरोसे लॉकडाउन में गुजर बसर हो रहा था वो सारा सब्जी डूब गया है। लाखों की भिंडी परवल बैगन आदि सब्जियां बर्बाद हो चुकी है। साथ ही पशुओं को खिलाने का चारा भी पानी में समा चुका है। पानी की कहर का सीधा असर किसानों की रोजी रोटी पर पड़ रहा है। संकट की इस घड़ी में सरकार की ओर से किसी प्रकार की मदद नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान है। की कैसे तब खाना पीना सब की करे? हाँ बोलो। खाना बनाए बनाए खाए चटनी। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत गांधी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज यादव के आह्वान पर बुधवार को सनहौला प्रखंड के सनोखर क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में गांधी युवा मंच के कार्यकर्ताओं के साथ साथ क्षेत्र के आमजनों द्वारा उपवास किया गया। उपवास कर रहे कहलगांव विधानसभा के आमजनों ने 6 विभिन्न कल्याणकारी मुद्दों को मजबूती से रखते हुए सरकार से प्रस्तावित प्रखंड सनोखर को स्वतंत्र प्रखंड का दर्जा दिलाने, सबौर से कहलगांव NH-80 का गुणवत्तापूर्ण निर्माण समेत कई मांगों के लिए आवाज बुलंद की। सनोखर क्षेत्र में उपवास का नेतृत्व करते हुए राकेश रोशन ने कहा कि सरकार चुनाव से पूर्व प्रस्तावित सनोखर प्रखंड को स्वतंत्र प्रखंड का दर्जा दिया जाए, अन्यथा सनहौला प्रखंड अंतर्गत पूर्वी क्षेत्र के लोग आगामी चुनाव में नोटा पर बटन दबाएंगे। मौके पर राकेश रोशन, अनंत मिश्रा, लक्ष्मण ऋषिकेश, छोटेलाल मड़ैया, परमानंद समेत कई लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उपवास रखा। अध्यक्ष मनोज यादव जी के आह्वान पर एक दिवसीय उपवास का हम लोग जो है, मेरा नाम राकेश रोशन, सनोखर से होम उपवास के लिए जो कल्याणकारी मुद्दा छह कल्याणकारी मुद्दा उसमें सर्वप्रथम सनोखर को प्रखंड बनाने के लिए हम लोग एक दिवसीय उपवास पर। बुधवार को गोराडी प्रखंड अंतर्गत खुटाह पंचायत के उपमुखिया का चुनाव प्रेक्षक अपर अनुमंडल पदाधिकारी अनु कुमारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा एवं गोराडी पुलिस की उपस्थिति में कराया गया। बता दें कि चुनाव में 5 वार्ड सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें वार्ड 7 की सदस्य वीना देवी को सर्वसम्मति से निर्विरोध उप मुखिया चुना गया। इस दौरान कार्यवाहक मुखिया शिवरंजन कुमार, BPRO संतोष कुमार सुमन, हेमंत कुमार, देवेंद्र यादव एवं अन्य लोग मौजूद थे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा के जन्मदिन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पटेल बाबू रोड में रक्तदान उत्सव का आयोजन किया। इस दौरान दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सैयद शाह अली सज्जाद, महेश राय, उमेश ताती, अमित आनंद, लालू डोकानिया समेत कई लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक की टीम ने शिविर से कुल 34 यूनिट रक्त एकत्रित किए हैं। मौके पर भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य प्रवीण सिंह ने कहा कि रक्तदान महादान है और इस तरह का आयोजन करते रहना चाहिए। इस दौरान संजय राणा, प्रशांत बनर्जी, आर्यन राज, मुजफ्फर अहमद, जावेद अख्तर समेत कई लोग मौजूद थे। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जन्मदिन को रक्तदान उत्सव के रूप में लोग मना रहे हैं और ये मनाने वाले जो स्वयंसेवी संस्था के सदस्य हैं, चाहे विक्रमशिला के सदस्य हैं, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। एक ऐसा काम जिसे हमने शुरू किया था राजीव जी के 59वीं
जयंती पे 59 लोगों का ब्लड डोनेट कराया था। उस वक्त का वो सबसे बड़ा कैंप था भागलपुर का। भागलपुर में बुधवार को खलीपाबाग चौक पर विश्व प्रसिद्ध बीकानेर स्वीट्स हाउस का अनावरण किया गया। वहीं दुकान के संचालक निशांत कुमार ने बताया कि दुकान में 70 से भी अधिक तरह की मिठाइयां उपलब्ध है, साथ ही स्नैक्स एवं शाकाहारी व्यक्तियों के लिए भी कई व्यंजन हैं और कुछ दिनों में ऑनलाइन सेवा भी शुरू कर दी जाएगी। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, भाजपा नेत्री प्रीति शेखर, श्रवण कुमार बाजोरिया एवं जिला निबंधन पदाधिकारी प्रेम यादव मौजूद थे। बीकानेर का नया प्रोजेक्ट हम लोग के भागलपुर की जनता के लिए हम लोग स्टार्ट किया है। यहाँ का हम लोग का थीम है जो एक बार जो चख लोगे सारी की सारी रख लोगे। बहुत दिनों से यहाँ के पब्लिकों को क्वालिटी और टेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट थी, जो कि हम लोगों ने कोशिश किया है अपनी तरफ से फुलफिल करने के लिए। यहाँ हम लोग के पास 70 तरीके की मिठाई अभी अवेलेबल है और भी स्नैक्स से लेकर डाइनिंग से लेकर पिज्ज़ा से लेकर बर्गर तक सारी चीज़ें आपको यहाँ एक ही जगह के एक ही छत के नीचे मिलने वाले। ललमटिया ओपी पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार को पासीटोला में देशी शराब कारोबारी के घर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान शराब कारोबारी मंटू चौधरी के घर से 2 लीटर देशी शराब बरामद किया गया। साथ ही मौके से शराब बनाने में प्रयुक्त उपकरण जैसे गैस भट्टी, सिलेंडर एवं अल्मीनियम के बर्तन को जब्त किया गया। मौके से पुलिस ने शराब कारोबारी मंटू चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर ललमटिया ओपी अध्यक्ष ओम प्रकाश ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पासीटोला में छापेमारी कर मंटू चौधरी को 2 लीटर देशी शराब और शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय के सभागार में नवगछिया के नए अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार का स्वागत किया गया। वहीं दूसरी तरफ पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार को भावपूर्ण विदाई दी गई। इस अवसर पर सभा का संचालन गोपालपुर बीडीओ प्रियंका कुमारी ने किया। मौके पर अनुमंडल कर्मियों ने मुकेश कुमार के कार्यकाल की तारीफ की और नए एसडीओ अखिलेश कुमार का स्वागत किया। इस दौरान डीसीएलआर परमानंद शाह ने कहा कि स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति के बाद विदाई समारोह का कोई विधान नहीं है, लेकिन हम लोग जब एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो कई खट्टे मीठे अनुभव हमारे बीच उठते हैं। इसी पल का लुफ्त उठाने के लिए समारोह का आयोजन किया जाता है। इस दौरान नवगछिया के इष्टोनो विधान चंद्र झा, वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, पारसनाथ साहू, चिरंजीवी राय सहित कई कर्मी मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में मरीज की जगह एम्बुलेंस से ढोई जा रही है शराब, 3 तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। नवगछिया के बिंद टोली बांध में कटा हुआ तेज, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तबादले का दौर शुरू, 105 पुलिसकर्मियों का हुआ स्थानांतरण। मुहर्रम को लेकर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की हुई बैठक, मजलिस एवं मातम पर रहेगा प्रतिबंध। और कहलगांव में धर्मशाला की जमीन पर भू माफियाओं ने किया कब्जा, डीएम के निर्देश पर अवैध निर्माण पर सीओ ने लगाई रोक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।